कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम 22 सितंबर का है कंपार्टमेंट का। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया, आज मैं आपको 5 टाइप्स करवाऊंगी, 5 टाइप्स, वो भी सेक्शन डी की। हाँ जी, सेक्शन डी की। सेक्शन डी में होते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन, यू नो। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में वैसे तो 4 क्वेश्चन आने हैं, बट मैं आपको 5 टाइप्स कराऊंगी, उसमें से गारंटेड 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब इस वीडियो के बाद आपके 24 मार्क्स पक्के होने वाले हैं, ये मैं आपको शर्तियाँ कह सकती हूँ कि 24 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ तो आपको थोड़े से एफर्ट्स ये करने हैं कि आपको ध्यान से सुनना है। इस वीडियो में सिर्फ मैं ये नहीं बताने वाली कि हाँ जी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेना हो जाएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊँगी। ये तो बताऊँगी कि ये टाइप इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आएगी, और उस टाइप को करना कैसे है मैं एक क्वेश्चन बताऊँगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, उस क्वेश्चन को समझने के बाद मैंने ये भी बताया हुआ है कि कौन एनसीईआरटी के कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो वो सारे क्वेश्चन एक बार करके देख लो, मतलब कि आपने उन क्वेश्चंस को, ये जो मैं आज 5 टाइप्स करा रही हूँ, पूरी खोल के पी जानी है आपने। इस तरह से कर लेनी है कि अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तो आप फटाफट कर दो, और आएगा भी, जरूर आएगा। और कंपार्टमेंट किसी भी वजह से आई हो बच्चों की, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने पढ़े नहीं तो नहीं आए तो कंपार्टमेंट आई है। कंपार्टमेंट हो सकता है उस टाइम कोई फैमिली स्ट्रेस हो, कोई बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई हो, तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी मौका है, बट अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार क्रैक नहीं हुई, ठीक है, आपको सेकंड चांस मिलेगा, आई नो, लेकिन अगर अभी क्रैक नहीं हुई तो क्या होता है, इतना गैप आ जाता है कि आपका लिंक ही टूट जाता है पढ़ाई से, ठीक है। मतलब आपके इनकम, आपको क्या लगता है कि बोझ लगने लगता है, और जब भी बोझ लगेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इस टाइम, थोड़ा सा, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, अगर थोड़ा सा सीरियस होकर ये वीडियो को सुन लो ध्यान से, तो पक्का मैं कह सकती हूँ कि आज 24 नंबर पक्के करा दूँगी। कल फिर मैं दोबारा एक वीडियो डालूँगी, वो होगी 4 मार्क्स के लिए। आज सिर्फ आपको 5 टाइप्स सुननी है, सिर्फ 5 टाइप्स। तो बी विद मी, आज का मेरा एजेंडा ये है कि आपको ये सेक्शन डी पक्का करवाना है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी ये बातें सुन लो, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको सबको पता होगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आएंगे, 1 to 20, 1 मार्क ईच, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बेस्ड होगा जो हमारा पीछे पेपर हुआ था। अभी लॉकडाउन से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो 2021 वालों के लिए टॉपिक डिलीट हुए हैं, आपके लिए कुछ डिलीट नहीं हुआ, आपको सब करना है, ठीक है जी। तो 1 to 20 जो है सेक्शन ए में आएंगे, 20 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में 21 से 26 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 27 से 32 क्वेश्चन, मतलब इसमें भी 6 क्वेश्चन, 20, 6, 6, 4 मार्क्स के। और सेक्शन डी में आएंगे 4 क्वेश्चन, 6 मार्क्स के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले मैं ये उठाऊंगी लास्ट से, और पेपर अटैम्प्ट आपकी थोड़ी सी टिप्स हैं, सुन लो, लास्ट पोर्शन से अटैम्प्ट किया करो। एक बार थोड़ा सा होता है ना कि 6-6 मार्क्स से हमारे ये 2-3 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हम पासिंग के पास पहुँच गए हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन डी उठाना है, सेक्शन डी उठाना है, और जो टाइप्स आज मैं करवा रही हूँ आपको, उनको अच्छे से कर लेना प्लीज़। तो अब क्या है, मेरा आज का एजेंडा यही है, सेक्शन डी आपको घोल के पिला देना है, 24 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, गारंटेड। तो आज हम बात करेंगे पहले टाइप वन की। चलिए आप मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, जो टाइप वन है। टाइप वन क्या है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब दिस इज योर मैट्रिक्स मेथड। पहला जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में से बनता है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 4, मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का। उसमें आपको ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 to 14, 7 to 14 आपको करने हैं। एक क्वेश्चन मैं इसका समझाऊंगी आपको, अगर आप किसी वजह से भूल गए या कर रखे होंगे आपने, क्योंकि मैट्रिसेस तो हर बच्चे ने करी होती है, लेकिन हम एक बार रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के लिए करवाऊंगी, उसके बाद आपने अगर ये 7 to 14 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब 6 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर जब आप एनसीईआरटी से कर लोगे, फिर आपके पास अगर कोई सैम्पल पेपर है, फिर इस टाइप के करके देखो। मतलब आपने एक टाइप को ऐसे, कहते हैं ना, मतलब अच्छी तरह ग्रैप कर लेना, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना कि हाँ ये तो मेरे को श्योरिटी हो जाए, मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप वन की। चलिए टाइप वन कर लेते हैं फटाफट से। टाइप वन में क्या है, हमने मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है। मैट्रिक्स मेथड में क्या है, आपको लिखा होगा कि इनवर्स निकाल के आपको सॉल्यूशन निकालने लीनियर इक्वेशंस के, ये आपके लीनियर इक्वेशंस हैं।
लीनियर इक्वेशंस जिनकी वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, 1 1, तो ये 3 वेरिएबल में भी आ सकती है आपकी, 2 वेरिएबल में भी आ सकती है, मेथड सेम ही है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको निकालना है इसमें डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स पहले हमें यही चेक करना होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए, तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। ये हमें ए गिवन है, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा 6 नंबर में, ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, ए से कैसे निकलता है देखिए, ध्यान से देखना सबने। मैं दोबारा से ये नहीं लिख रही हूँ, यहीं से हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मान लो हमारी मर्जी है, हम चाहे रो 1 से एक्सपेंड करें, चाहे रो 2 से, चाहे रो 3 से। अब सपोज मैंने ये रो 1 ले ली, ठीक है। रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ दो, ये मैंने छोड़ दिया, क्या बचा, ये 4 एलिमेंट्स बचे, 0 1 0 - 1 2 2, ठीक है। उसके बाद ये प्लस देन माइनस, अब कौन सा एलिमेंट आएगा, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, बट साइन चेंज करना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस वन। अब क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, क्या बचेंगे, ये 4 एलिमेंट, तो 1 1 1 3 2 6, ठीक है। अब प्लस का साइन, अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट एलिमेंट देखो क्या है, 1, ये 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो क्या आ गया, 1 1 1 3 0 0। यहाँ तक समझ आया, ये हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 1 × ये कितना आ जाएगा, -2। वैसे तो मैं स्पीड से कर दूँ बट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, -2 देन -1, इट्स -5 प्लस 1 1 1 1, मतलब मैंने सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 5 प्लस 1, तो कितना हो गया, 5 + 1 6, -2 4, तो हमारा डिटर्मिनेंट 4 आ रहा है। 4 आने का मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो पहले इसके भी मार्क्स होते हैं, 1 नंबर तो आपको यही मिल जाता है। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ए निकालना है, उसके बाद आपने लिखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब ऐसी मैट्रिक्स को बोलते क्या हैं, जिनका डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं आता, वो होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अगर, मतलब इसका मतलब अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 1 मार्क्स के लिए वैसे ही बता दिया मैंने, कई बार ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकालने के बाद आपने निकालना है, सॉरी, ए इनवर्स हमने ये देख लिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अब ए इनवर्स निकलेगा कैसे, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ये लर्न कर लो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमारा आ चुका है 4, अब क्या चीज़ रहेगी, एडजॉइंट ए। अब आपको एडजॉइंट ए पता होना चाहिए क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ें, डिटर्मिनेंट ए आ गया, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, रिकॉल करो, सब आता है आपको, थोड़ा सा रिकॉल करना है। एडजॉइंट ए कैसे आता है, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी, जो भी मैट्रिक्स कोफैक्टर से बनेगी उसका ट्रांसपोज कर दो, तो एडजॉइंट कैसे आएगी, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स, जो हमारे कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उनका ट्रांसपोज। इसका मतलब एडजॉइंट ए हमारा कैसे आएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये कैपिटल ए किसको डिनोट करते हैं, कोफैक्टर्स को। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, तो आपने क्या कर देना है, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर देना है। इज इट क्लियर, मेक अ नोट ऑफ इट, आई एम रबिंग, इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद क्या करना, आपका डिटर्मिनेंट है हम कहीं लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट है हमारा 4 आ गया, ठीक है जी। अभी तक हमने एक चीज़ निकाली है, अब हमें ये निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब देखिए कोफैक्टर्स कैसे आएंगे,
सबसे पहले हम निकालेंगे A11। अब कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, फिर यहीं से निकलेंगे। सिर्फ आपने करना क्या है, डिटरमिनेंट में हम एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते थे, ये एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इनकी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते थे, बट कोफैक्टर में बस सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, वन को छोड़ा क्या बचा, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ी, तो ज़ीरो माइनस टू कितना आ गया, माइनस टू। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं ये साइन चेंज करूँ कि ना करूँ। आपके यहाँ क्या है, वन वन है ना, वन प्लस वन, वन प्लस वन कितना होगा टू, इवन इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करना। अगर इन दोनों को प्लस करके ऑड आएगा तो साइन चेंज करना। तो मैंने A11 निकाल लिया, अब A12 निकालेंगे। A12 देखो कैसे आएगा, ये A11 12 होता गया, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो 1 2 का मतलब ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को, तो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट। तो अब मेरे को A12 निकालना है, A12 का मतलब मैं ये और ये गया, अगर ये और ये चला गया तो 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास ये क्या आ गया, -5। लेकिन साथ साथ साइन चेक करते जाओ, 1 + 2 3 ऑड हो गया ना, अगर ये ऑड हो गया तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब कहने का मतलब है इधर आप लगा दो माइनस, तो -5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू यू। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, A13। अब A13 कैसे निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट है थर्ड, ये गया तो 1 1 ज़ा 1 क्रॉस कर रहे हैं बस, 1 1 ज़ा 1 3 0 ज़ा 0। तो अब हमने यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 1 + 3 क्या होता है, 4, इवन नंबर है, ये हमारे निकल गए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सेकेंड रो पे, 2 1 निकालना है मुझे, 2 2 निकालना है, 2 3 निकालना है, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, 3 1 निकालना है, 3 2 निकालना है, 3 3, बस ये निकल गया। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, सारे ईजी अगर आप ध्यान से सुनोगे। अब देखो 2 1 का मतलब है ये सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड रो का फर्स्ट, इसका मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट। तो ये गया और ये, मतलब ये चला गया और ये चला गया, क्या बचा अगर ये चला गया, 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 एंड -1, तो कितना आ जाएगा, 0। साइन 0 का चेंज करो ना करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैसे आप इधर लगा दिया करो ताकि आपको समझ आ जाएगा, यहाँ हमने साइन लगा दिया। तो इस तरह से आप सारे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करने हैं, सारे कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। मैं जल्दी से लिख देती हूँ, आपने सारे ऐसे निकालने हैं। एक बार और सुन लो, 2 2 2 2 का क्या मतलब है, 2 2 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट। तो ये यहाँ से गया और यहाँ से गया, ठीक है, मतलब ये वाली कॉलम गया और ये रो गया, तो 1 1 ज़ा 1 -3, तो 1 -3 एक और लिख लेते हैं, 1 -3 -2। आपने बस ये ध्यान रखना है, 2 + 2 4, 4 इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, जहाँ प्लस करके ऑड आ रहा हो वहाँ साइन चेंज करना है। तो अब हम जल्दी से ये लिख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम, पहले कोफैक्टर्स फटाफट मैं निकाल के लिख देती हूँ, आप खुद ट्राई करो, उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या। ये मैंने सारे कोफैक्टर्स लिख लिए, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट देखिए कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इनसे मैट्रिक्स बनाओ, -2 5 ये जो आए हैं, -2 5 1 देन 0 -2 2 2 -1 -1। इससे जो मैट्रिक्स बनी है इसका ट्रांसपोज कर दो। अब ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ट्रांसपोज का मतलब रोज इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रोज, तो क्या हो जाएगा, -2 ये रो है ये कॉलम में चेंज कर दो, -2 5 1 देन ये वाली रो फिर कॉलम में चलेगी, 0 -2 2 2 -1 -1। तो ये मेरे पास निकल के आ गया एडजॉइंट ए। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो मेरे पास ए इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, दोनों चीज़ें आपके पास, ये भी है ये भी है। डिटर्मिनेंट कितना था 4 और एडजॉइंट कितना निकला, ये सारा -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1। तो ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स की वैल्यू। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, लास्ट स्टेप पे करना क्या था, मुझे तो इनका सोल्यूशन निकालना था, लेकिन मुझे इन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना था ए इनवर्स को यूज़ करके। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमारा ए इनवर्स निकल गया। ए इनवर्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के बाद हमें करना है मैट्रिक्स मेथड लगाना है। मैट्रिक्स मेथड क्या है, AX इज इक्वल टू बी, मतलब मुझको ये करना है। अब ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या, ये जो आपको ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें ए क्या होगा, एक्स का कोफिशियंट कितना है यहाँ, 1, एक्स का कोफिशियंट 1, देन वाई का अगेन 1, देन जेड का 1। उसके बाद
अगली उसमें आ जाओ, वन एक्स का वन, वाई है ही नहीं तो ज़ीरो, और जेड का टू। फिर तीसरी पे आ जाओ, थ्री एक्स का पहले, फिर वाई का कॉफिशेंट कितना, ये कॉफिशेंट देख रहे हैं हम, ठीक है, वाई का वन और जेड का वन। अब ये तो हो गया मेरे पास ए, ठीक है, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। वैसे आप अलग से लिख लिया करो कि ए ये है, एक्स ये है, और बी क्या होते हैं, बी होते हैं जो इज इक्वल टू के इस साइड है, तो बी क्या हमारे पास सिक्स सेवन एंड ट्वेल्व। तो ये मैंने इसमें पुट कर दी, ये ए एक्स, ए मीन्स एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट, एक्स ए मीन्स एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट, एक्स मीन्स एक्स वाई जेड जो हमें निकालने हैं वेरिएबल, एंड बी मीन्स जो इज इक्वल टू के साइड है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या है, यहाँ से ए एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, तो इसका मतलब मेरे पास एक्स क्या हो गया, ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स कितना निकला आपके पास, ए इनवर्स देखिए क्या है, ये निकला है ए इनवर्स। तो आप ही हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स लिख लो, ए इनवर्स जो आपका निकल चुका है, माइनस टू ज़ीरो टू फाइव, माइनस टू माइनस वन, वन टू माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया, अब बी, बी कितना है, सिक्स सेवन ट्वेल्व। अब आप खुद कर सकते हैं वैसे तो, क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन आती होगी मैट्रिसेस की, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लाओ मैं कर देती हूँ एक बार फिर से समझ लो, रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, देखो कैसे करना है, वन बाय फोर माइनस टू इंटू सिक्स माइनस ट्वेल्व, इसको इस मतलब इस रो कॉलम, ऐसे रो कॉलम ऐसे ही करते हैं, तो माइनस ट्वेल्व प्लस ज़ीरो प्लस ट्वेंटी फोर, फिर फाइव सिक्स आ थर्टी, अब सेकंड पे आ गई मैं, फाइव सिक्स थर्टी माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेल्व, देन सिक्स टू सेवन ज़ा फोर्टीन माइनस ट्वेल्व, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व ट्वेल्व, देन इट्स थर्टी माइनस फोर्टीन एंड माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी सिक्स, एंड थर्टी माइनस ट्वेंटी सिक्स फोर, देन फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व एट। तो ये हो गया हमारे पास, अब ये फोर डिवाइड कर दो, ट्वेल्व को भी फोर से, फोर को भी फोर से, एट को भी फोर से, आंसर आ जाएगा, ट्वेल्व को फोर से डिवाइड किया थ्री वन एंड टू, तो हमारे पास एक्स क्या आ गया थ्री, वाई क्या आ गया वन, और जेड क्या आ गया टू। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके छः मार्क्स पक्के हो गए। इस वीडियो को एंड तक देखो, अगर आज आपने इस वीडियो को एक घंटा दे भी दिया तो इसका मतलब आपकी आधी टेंशन खत्म। अब हम सेकंड टाइप करेंगे, फिर आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी तरह मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें से 24 नंबर आपके पक्के हैं, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए सेकंड टाइप देख लेते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मतलब ये जो अभी 2020 का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें आपको पता ही होगा कि जो मैंने फर्स्ट टाइप कराई है लीनियर इक्वेशन वाली, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में चॉइस आई थी, ये सब फर्स्ट टाइम हुआ था। वैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन अलग आता है और सॉल्यूशन वाले का अलग आता है क्वेश्चन। तो ये हमारा वैसे क्या था कि 4 मार्क्स में आ जाता था, बट उन्होंने क्या किया था, इस पर चॉइस देती थी। अब मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ कि हो सकता है कंपार्टमेंट में ये 4 मार्क्स का भी आ जाए, और हो सकता है कि टाइप 1 के साथ चॉइस में आ जाए। तो ये होगा कि आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, अगर 4 में आ गया तब भी आप कर सकते हैं, और अगर चॉइस में आ गया तो बेटर है कि टाइप 1 करना, क्योंकि वो प्री सेट फॉर्मूले हैं, आपको बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है। इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं, मतलब इसका करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर मान लो ये 6 नंबर में नहीं भी आया तो 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स, मैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या था। आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये प्रूफ करनी होती है, ये वाली साइड, ये डिटरमिनेंट का साइड, स्ट्रेट लाइन साइड है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशंस लगाते हैं। ऑपरेशंस हमें थोड़े दिमाग से लगाने होते हैं, ईजी भी हो और हमारे कम से कम स्टेप्स में क्वेश्चन हो जाए। हमें इस तरह से ऑपरेशंस लगाने, पहले ये चेक किया करो कि किसी तरह 111 बन रहा है। अगर 111 बन जाता है किसी रो में या कॉलम में तो पहले वो बनाओ। अगर 111 बन गया तो उसके बाद ईजी है, 111 बनाने के बाद आपको कोई भी दो जीरोस बनानी है और उसके बाद एक्सपेंड कर देना। आप देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। सपोज अगर मैं क्या करूँ, ये आपकी रो 1 रो 2 रो 3 है। अब देखो एक्स एक्स एक्स, इधर भी एक्स एक्स एक्स, इधर भी एक्स एक्स एक्स। अगर मैं तीनों एक्स प्लस करती हूँ तो क्या आएगा, थ्री एक्स, टू वाई प्लस वाई
3y, y plus 2y, 3y, 2y plus y, 3y. तो अगर मैं तीनों कॉलम तीनों रोज को ऐड कर दूँ, इसको इसको इसको, तो इसका मतलब मेरा एक एलिमेंट सेम आ जाएगा 3x प्लस, यहाँ से 3x प्लस 3y सेम आ जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, पहला ऑपरेशन, क्या ऑपरेशंस लगाने हैं इसमें. तो पहला ऑपरेशन ऑपरेशन कैसे लेंगे, रो वन में हम लगाएंगे रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री. तो अब कर दो इसको प्लस, ऐसे रो में प्लस करो, कितना आएगा 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y सारे सेम हो जाएंगे ना, 3x प्लस 3y. ये मेरे पास हो गया पहला स्टेप, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है. उसके बाद x प्लस y, x प्लस 2yx, ठीक है जी. यस, ये ऐसे ही रखा. हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई कि ये मैं आपको एक क्वेश्चन जस्ट सैम्पल के लिए करवा रही हूँ कि आपका रिकॉल आ जाए कि क्या था इसमें. बाकी आपने करना क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको कहाँ मिलेगा, चैप्टर 4 NCERT डिटर्मिनेंट्स में. और इसके में इसमें अगर आप एक्सरसाइज 4.2 फुल कर लेते हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो 4.2 आपने फुल करनी है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, राइट. प्रैक्टिस में एक सा मैन प्रोडक्ट, जितनी प्रैक्टिस, मैं ये नहीं कहूँगी ये क्वेश्चन कर लो जी आ जाएगा. मैं आपको सिर्फ टाइप बता रही हूँ, बी जेन्युइन, मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ. टाइप की प्रैक्टिस करो, एज मैनी एज सम यू कैन डू. जब तक एग्जाम है जितने इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो कर डालो. तो आपने क्या करना है कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इनको प्लस कर दिया तो मेरे पास ये आ गया. अभी ये सारी रो सेम है, तो ये सारी रो सेम है, इसमें से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ. मैंने क्या कर लिया, 3x प्लस 3y को कॉमन निकाल लिया. क्या बचा अंदर, 1 1 1 हो गए इजी क्वेश्चन. जहाँ 1 1 आए तो मतलब बल्ले बल्ले हो गए, जहाँ भी 1 1 आए समझो क्वेश्चन डन है. फिर तो बहुत इजी स्टेप रह जाते हैं. तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि 1 1 बनता है, उसके बाद 0 0 बनाना होता है. अब 0 0 बनाना ईजी है, अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दूँ, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर दूँ, तो ये 2 0s बन जाएंगे हमारे पास. तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप करते हैं. ये मैं रब कर रही, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है. आप देखो क्या करना है इसके बाद, अब कौन सा ऑपरेशन लगेगा, सेकेंड ऑपरेशन. कॉलम 1 में माइनस कर दो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 में कर दो कॉलम 2 माइनस. इसका क्या मतलब है, कॉलम 1 में अप्लाई करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 में अप्लाई करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. तो करो अप्लाई 1 माइनस 1 0, देन पहले मैं कॉलम 1 में से कॉलम, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो x माइनस x 0, एंड क्या बचेगा 2y माइनस, खाली 2y बचेगा. ये तो ऐसे करना ना, इसमें से इसको 0 तो x x कैंसिल 2y, इसमें से इसको x x कैंसिल y माइनस 2y मींस माइनस y. अब इस पर आ जाओ 1 माइनस 1 0, x माइनस x एक कैंसिल, क्या बचा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो y का साइन क्या होगा, चेंज. ये ध्यान रखना, जरा सी गलती है और सारा गलत. इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज होना, तो ये कैंसिल 2y प्लस का रह जाएगा. थर्ड कॉलम में हमने कुछ नहीं किया तो इट इज एज इट इज, राइट, ठीक है. तो ये मैंने सेकेंड ऑपरेशन लगा दिए. उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन लगाने के बाद देखो, और जो बाहर कॉमन था उसको मत छोड़ देना, क्या था कॉमन, 3x प्लस 3y, ये ऐसे रहेगा. अब बस जहाँ 0 बन गई हमने उसी रो से एक्सपैंड कर देना. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक्सपैंड बाय, इसके बाद क्या करना आपने, एक्सपैंड बाय रो 1. तो एक्सपैंड बाय रो 1 वही वैसे करेंगे, यहाँ से ये छोड़ा और ये छोड़ा, क्या बचा, ये बचा, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 3x प्लस 3y, ठीक है. तो 2y इंटू 2y कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर, एंड माइनस वाई, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, बट बीच में कौन सा साइन आता है, कैसे करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. तो ये ऑलरेडी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा, और क्योंकि यहाँ 1 था तो ये 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो, लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहती. अगर यहाँ माइनस 1 होता तो मुझे माइनस 1 लेना पड़ता तो हमारे फिर साइन चेंज होते. अभी ये देखो क्या आएगा, 3 कॉमन ले लो, क्या रह गया, x प्लस वाई, और यहाँ से 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, 3 जा 9y स्क्वायर x प्लस वाई. तो हमें ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया. तो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशंस लगाए और आ गया. अब हम करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप थर्ड, बी विद मी. चलिए टाइप थर्ड कर लेते हैं. टाइप थर्ड हमारी है चैप्टर 11, 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री में से,
और इसमें बेसिकली कौन से क्वेश्चन आते हैं कि प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जो कि किसी पॉइंट से पास कर रहा है या फिर किसी दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है या किसी पॉइंट से पास कर रहा है दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर में है। तो जितने भी प्लेन की इक्वेशन निकालने वाले हैं वो वाले आपने अच्छे से कर लेना है। और ये आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। मतलब एक क्वेश्चन आप ये समझ लो, उसके बाद ये ट्राई करके देखना। एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से करनी है, तो आप ये ट्राई करके देखना और आपकी ये टाइप क्लियर हो जाएगी, प्लेन वाली टाइप। तो ये क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट। पहली बात कि ये जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, -1 और 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स, और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो पहली बात है कि जो प्लेन है वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो फर्स्ट जो हमारी बात निकल के आती है पहली लाइन से कि जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मान लिया मैंने वो पॉइंट मान लिया x1, y1, z1। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती क्या है, a x-x1 + b y-y1 + c z-z1 = 0। मतलब a b c डायरेक्शन रेशोज हो गए, x1, y1, z1 क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे जो आपको गिवन है। तो इसका मतलब हमारा जो x1, y1, z1 है 1, -1 और 2 ये है हमारे, ये x1, y1 और z1 है। तो अब हम क्या करेंगे, a as it is, x1 दिया हुआ है 1 पुट कर दो इसमें, b as it is, y as it is, अब -1 तो ये क्या हो जाएगा +1, +c z, z-2। ये कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से प्लेन पास कर रहा है। तो ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मतलब मुझे यही वाली इक्वेशन निकालनी है, बट ये इक्वेशन कब निकलेगी, जब आपके पास ए बी एंड सी होगा। अब ए बी सी कहाँ से आएगा, दूसरी लाइन से। दूसरी लाइन हमें ये दी है कि जो प्लेन है वो इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है तो आपको पता होना चाहिए जब भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम a1 a2 b1 b2 and + c1 c2 = 0। ये लर्न कर लो, वेन एवर टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इट इज़ अ कंडीशन दैट a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 होते क्या, देखो जी ये तो हो गए जो प्लेन हमें निकालना है उसके डायरेक्शन रेशोस ए बी सी, ठीक है। मान लिया ये मेरे पास a1 b1 और c1 हो गया, और a2 b2 c2 क्या होगा, जो हमें प्लेन्स दिए हुए हैं। तो मान लो पहला प्लेन है मेरे पास ये 2x + 3y - 2z = 5, ये मेरे पास प्लेन है। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास a2 ये b2 ये c2, ये जो कोफिशियंट है, समझ रहे हो आप, ये a2 b2 c2। और मेरे पास a1 b1 c1 क्या होगा, जो प्लेन मुझे निकालना है उसके। तो इट मीन्स a की मल्टीप्लाई होगी 2 से, b की मल्टीप्लाई होगी 3 से, c की मल्टीप्लाई होगी -2 से। तो इट मीन्स मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे लिखोगे एज, ये मैं समझाने के लिए लिख रही थी, आप लिखोगे एज गिवन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 2x + 3y - 2z = 5, देयरफोर a की मल्टीप्लाई 2 से मतलब 2a, देन b की मल्टीप्लाई 3 से मतलब 3b, एंड देन c की मल्टीप्लाई -2 से मतलब -2c = 0। ये कंडीशन लगाई है मैंने। उसके बाद एज गिवन प्लेन ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, एज गिवन प्लेन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, इस वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, x + 2y - 3z = 8। तो हम क्या करेंगे, वही अब करो, यहाँ से 1 into ये तो कॉमन है, a into 1, देन b into 2, देन c into -3, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी निकालूंगी, जो ए बी सी आएगा वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब कोई भी चीज़ तभी इम्पॉसिबल लगती है जब तक करी नहीं जाती। तो जब आप कर लोगे, सीख लोगे, फिर ट्राई करोगे तो आपको ईजी लगेगा।
तो अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो आई एम रबिंग दिस वन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब देखिए मैं इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रही हूँ. इजी मेथड बताती हूँ आपको. ए बी सी वेरिएबल्स हैं तो ए माइनस बी एंड सी लिख लो. वैसे आपको पता है ये मेथड टेंथ में किया हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. अब ए वाले मैं हाइड करूँगी तो क्या आएगा, ये वाले बचेंगे. मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस. थ्री थ्री इज़ अ नाइन, मतलब माइनस नाइन एंड माइनस फोर है तो ये प्लस फोर हो जाएगा. उसके बाद बी बी के नीचे लिखना तो बी वाले हाइड कर दो. माइनस सिक्स एंड माइनस टू, तो माइनस सिक्स माइनस टू था. माइनस यहाँ पे क्या होता है, बीच वाला साइन माइनस का होता है, तो एक माइनस ए और एक माइनस हमारा फॉर्म लेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. अब सी वाला ऐड कर दो, टू इंटू टू फोर माइनस थ्री. ठीक है, अब इसे सॉल्व करो. ए माइनस फाइव माइनस बी माइनस फोर सी वन, ये कैंसल. इट मीन्स ए रेशो बी रेशो सी आपके पास आ गया माइनस फाइव रेशो फोर रेशो वन, ये आ गया मेरे पास. ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, जो ये ए बी सी की वैल्यूज आ गई, ए माइनस फाइव बी फोर सी वन, तो वो हमें फर्स्ट में पुट कर देना. और फर्स्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी ए एक्स माइनस क्या बनाई थी हमने, माइनस वन प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड माइनस टू. यहीं से मैंने फिर से बना लिया. ठीक है, एक्स माइनस वन वाई प्लस वन एंड ठीक है. अब हमें क्या करना है, जो ए बी सी की वैल्यूज आई हैं वो इसमें, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये जो ए बी सी की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो. ए माइनस फाइव एक्स माइनस वन, फिर कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सॉल्व करना है. ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, बहुत ईजी सम है, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो. माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस फोर वाई, अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, फोर जेड माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हो गया माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेट फाइव एंड टू फाइव फोर नाइन माइनस टू प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगी, फाइव एक्स क्या हो जाएगा प्लस का माइनस फोर वाई, ये मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, प्लस माइनस माइनस माइनस. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्ले. सो दिस इज टाइप थर्ड. अब हम करेंगे टाइप फोर. चलिए टाइप फोर्थ कर लेते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस और आप ही का फ़ायदा होने वाला है. अगर आप इस वीडियो को कर लेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, 24 नंबर पक्के होने वाले हैं, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस आप कर लो. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप फोर. टाइप फोर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप, मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये आपको कहाँ मिलेगा, चैप्टर सिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, और एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13-26 गोल के पीछे आने हैं. मतलब 13-26 में से पक्का क्वेश्चन एक आने वाला है, तो उसी में से मैंने एक क्वेश्चन ये उठाया है और सीबीएसई में बहुत बार रिपीट भी हुआ है. शो दैट ऑफ ऑल द, अब क्या इन क्वेश्चंस का फंडा गया, करना गया, डिफ्रेंसिएशन अगर आती है तो बहुत ईजिली हो जाएंगे. शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वेयर हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर. अब आपको ये चीज़ निकालनी है, इसमें से क्या चीज़ गिवन है और किस चीज़ को आपको स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट प्रूफ करना है, या मिनिमा या मैक्सिमा प्रूफ करना है. तो जो चीज़ तो आपको प्रूफ करनी है, ठीक है, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है आपने उसको नहीं लेके चलना. आपको किसको लेके चलना है, आपको लेके चलना है कि जो चीज़ गिवन है. अब आपको गिवन क्या है इसमें, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया. तो रेक्टेंगल्स गिवन है तो मैं रेक्टेंगल को ले, जब भी रेक्टेंगल स्केयर वाले क्वेश्चन, वैसे है ना एक लॉजिक बता देती हूँ, रेक्टेंगल आए और स्केयर प्रूफ करना, तो रेक्टेंगल को लेके चलो, एंड में अपने आप क्या आएगा कि वो उसकी सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगे और वो स्केयर बन जाएगा. स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर को लेके चलोगे, एंड में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ इक्वल आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा. तो आपने करना क्या इन क्वेश्चन में, देखिए हमें खुद से क्या सपोज कर लेना है, लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए मैंने क्या मान लिया, रेक्टेंगल का एरिया मान लिया. ठीक है, अब ए रेक्टेंगल का एरिया है और एक्स मैं मान लेती हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और वाई मान लेते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स इंटू वाई. तो यहाँ से या तो वाई निकालो या एक्स निकालो. मतलब हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन कब करोगे, जब एक ही वेरिएबल में सारा चेंज होगा. तो मैं क्या करूँगी, इसमें y निकाल लिया मैंने, y कितना आ जाएगा, a अपॉन x, ये दे दो इक्वेशन वन. ठीक है जी,
अब लिखा है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर इज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर. प्रूफ तो पैरामीटर करना है ना. गिवन एरिया था, मैंने एरिया ले लिया और यहाँ से एक रिलेशन निकाल लिया, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, पैरामीटर. तो मुझे पैरामीटर भी लेना पड़ेगा. तो मैं क्या लूँगी, लूँगी मैं अभी रेक्टेंगल का ही. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब एक्स प्लस वाई. अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने वाई निकाला है यहाँ पर, मैं इसको वाई की जगह यहाँ पुट कर दूँगी. मतलब ये मैं वाई की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है. क्या क्यों करने के लिए, इसको पी मान लो, इसलिए करने के लिए या तो सारी क्वेश्चन एक्स में चेंज करनी होती है या वाई में. मैंने चेंज कर दी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, पी डैश निकालेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे पी डैश. पी डैश मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, टू एज इट इज़ एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1. अब ए अपॉन एक्स है, ए अपॉन एक्स का मतलब एक्स की पावर माइनस वन आगे आएगा, ए एज इट इज़, ठीक है. ए को तो अभी आप छोड़ दो, पहले मैं माइनस वन. इस ए तो आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है. ए गिवन एरिया, जो चीज़ गिवन लिखी होती है ना, गिवन एरिया मतलब उसे आपने कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, उसको आपने एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं करना. तो एक्स की पावर माइनस वन है, माइनस वन आगे, माइनस वन माइनस टू मतलब माइनस, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स एन एन एक्स एन माइनस वन. तो वही लगा रही हूँ, माइनस वन आगे, माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू. समझाने के लिए वैसे डायरेक्ट 1/x की क्या होती है, -1/x2. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की 1 और ये हो जाएगा -1/x2 और इनटू ए, तो ऐसे ही है, ठीक है जी. तो मेरे पास पी डैश कितना आ गया, 2 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये आ गया, ठीक है. ये पी डैश निकल गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू. उसके लिए मैं क्या करूँगी, पी डैश को 0 पुट करेंगे. तो पी डैश को आप 0 पुट करो. ये जो आया ना डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, डिफ्रेंसिएशन करनी है, 0 के इक्वल पुट करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. तो आप क्या करोगे, 2 1 माइनस ए अपॉन एक्स के इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, ये तो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस, सीधा 2 उधर जाके 0, क्या बचा 1 माइनस ए अपॉन एक्स के इज इक्वल टू 0, 1 इधर रहने दो और ए अपॉन एक्स स्क्वेयर इधर आ गया, एक्स के इज़ल टू ए. इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी आ गई रूट ए. एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, रूट ए. अब क्वेश्चन इज, हमें कैसे पता लगेगा कि जो स्क्वेयर है उसका स्मॉलेस्ट पैरामीटर है. अगर जब भी हमें मिनिमा या मैक्सिमा निकालना होता है, हमें कैसे पता लगता है, हमें यहाँ निकालना ना ये स्मॉलेस्ट पैरामीटर है, हमें कैसे पता लगेगा, हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे. जब हम इसकी डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस एक्सप्रेशन की, कैसे होगी, डबल डिफ्रेंसिएशन अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमम, और अगर डबल डिफ्रेंसिएशन आपकी नेगेटिव आती है तो मतलब मैक्सिमम. उल्टा सोचना, अगर बड़ा आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, और अगर छोटा आ रहा है 0 से कम आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम. तो अब इसमें 2 तो 2 एज इट इज़, 1 की 0 और 1 यहाँ पे देखो माइनस है, ठीक है. जब मैं ये माइनस 2 आगे लेके आऊँगी तो प्लस हो जाएगा 2 ए और एक्स स्क्वेयर की क्या हो जाएगी, क्यूब. वही करना है, माइनस 2 आगे, -2 -1 -3, तो ये बनेगी आपकी. तो ये क्या बन जाएगा, 4 ए अपॉन एक्स क्यूब, ये बन गया 4 ए अपॉन एक्स क्यूब. अब क्या लिखोगे आप, इसके बाद एक लाइन लिखनी होती है, एज पी डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 देयरफोर क्या होगा, देयरफोर पी इज मिनिमम, पैरीमीटर इज मिनिमम. अब पैरीमीटर हो गया मिनिमम, पैरीमीटर मिनिमम हो गया. हमारे पास क्या था, ये जो पैरीमीटर को सॉल्व करके आया था, एक्स इजल टू रूट ए. तो यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं करूँगी, वो ये वाला एक्सप्रेशन ही आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वेयर इजल टू ए. और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, एरिया कितना है, एक्स वाई. तो यहाँ से ये कट गया, एक्स इजल टू वाई. तो एक्स इजल टू वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या हो गया, इक्वल. अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्या बन गया, स्क्वेयर. यही प्रूफ करना था, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वेयर. मतलब मैंने क्या कर दिया, पैरीमीटर को स्मॉलेस्ट प्रूफ किया. और वो पैरीमीटर किसका निकाल दिया मैंने, स्क्वेयर का. हमें कैसे पता लगा स्क्वेयर है, क्योंकि एक्स और वाई क्या आ गए, इक्वल आ गए. अगर एक्स और वाई इक्वल आ गए, इट मीन्स सारी साइड्स इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल नहीं रहा, वो क्या बन गया, स्क्वेयर बन गया. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, 6.5 में से बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम मूव टू नेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लास्ट टाइप 5th हम करेंगे और ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे. चलिए टाइप 5th कर लेते हैं, आप लास्ट टाइप है और उसके बाद 24 मार्क्स पक्के.
लेकिन इस टाइप को कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो टॉपिक है, मतलब बच्चों को बहुत डर लगता है, वो खोलते ही नहीं इस टॉपिक को। तो इसमें क्या है, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ट्राइंगल वाला, ये हर कोई कर सकता है। आप पूरा एक पूरी एक्सरसाइज छोड़ देते हो इसके, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हुआ बना रखा है बच्चों ने। तो अगर आप इसे, मुझे पता है वो जो इंटरसेक्शन वाले होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो वो अभी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, बट वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या लिखा है, एरिया अंडर द कर्व्स चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.2 फुल इंपॉर्टेंट है। तो उसमें दो ही टाइप के समय, एक ट्राइंगल वाले और जिसमें क्या है, या तो सर्कल से सर्कल कट कर रहा है, या सर्कल से पैराबोला कट कर रहा है, या फिर एलिप्स है, एलिप्स और लाइन कट कर रही है। तो इंटरसेक्शन वाले 8.1 से नहीं आता क्वेश्चन, तो 8.2 आपको अच्छे से करनी है। मैं ट्राइंगल वाले इसलिए करा रही हूँ कि ये मत छोड़ के जाना आप, क्योंकि इसके भी पूरे पूरे उतने ही चांसेस होते हैं जितने इन वाली टाइप्स के होते हैं कि सर्कल सर्कल कट कर रहा है, एलिप्स और लाइन कट कर रही है। ये तो आपको करना ही है, ये करने हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं कवर कर रही, क्योंकि इनके लिए बहुत कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो वो ये मैं ये फुल फ्लेज इसकी अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ हमें ये वाले भी करने हैं। बट ट्राइंगल वाले प्लीज़ मत छोड़ के जाना, बहुत ईजी है और आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं ट्राइंगल वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें ट्राइंगल वाले में हमने कैसे इंटीग्रेशन का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया निकालना है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हूज वर्टिसेस आर, हमें वर्टिसेस में कंसेप्ट समझाऊंगी इसका, बहुत लंबी लेंथी कैलकुलेशन है, तो इट इज डी आई वाई, समझाऊंगी कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें ग्राफ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड ट्राइंगल को हमने प्लॉट करना होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने होते हैं। तो क्या है, ए 25, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस 2 और 5, ये मेरा हो गया 25, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट आ गया। 4 7, बी है 4 और 7, तो 4 और 7, ये तो सबको ही आता है, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। ये बी आ गया 4 7, ये आ गया 25, एंड सी इज 6 2 6 और 2, तो ये आ गया 6। सबसे पहले आपने प्लॉट करना है, वेरी इजी, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया जी, प्लॉट कर दिया। हाँ, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन सिंपल नहीं कि आप वो टेंथ का फॉर्मूला लगा दोगे, आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो इंटीग्रेशन का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस वर्टेक्स से भी, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट, डॉटेड डाल लिया और इसे, ठीक है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से सुनना, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये देखो, ये वाली लाइन है ए बी, ए बी के नीचे सारा एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये सारा एरिया। अगर आप कंसेप्ट समझ लो ना, बहुत ईजी है। इस लाइन के नीचे ये एरिया, इस वाली लाइन के नीचे कौन सा एरिया बनेगा, ये पूरा एरिया बनेगा, ठीक है। और ये जो ए सी लाइन है, ये ए सी आपकी जो ए सी है उसके नीचे ये एरिया। तो अगर मैं क्या करूँ, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, मतलब पूरा आ गया, उसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूँ तो ट्राइंगल ही तो रह जाएगा। इस लाइन के एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है, इस लाइन के नीचे वाला एरिया प्लस इस लाइन के नीचे वाला एरिया माइनस इस वाले लाइन के नीचे वाला एरिया, तो आंसर आ गया। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा ट्राइंगल में, मेरे पास ए बी की इक्वेशन होनी चाहिए, मेरे पास बी सी की इक्वेशन होनी चाहिए, मेरे पास ए सी की। तो पहला काम आपने ट्राइंगल प्लॉट करना है, उसके बाद आपने ए बी बी सी और सी ए की इक्वेशन निकालनी है, वो आपने प्लस वन में पढ़ा हुआ है। कैसे मैं बता देती हूँ, देखो फर्स्ट स्टेप आपने प्लॉट कर लिया, ठीक है, ट्राइंगल को प्लॉट कर लिया, उसके बाद प्लॉट ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स उसके प्लॉट कर लिए, उसके बाद स्टेप टू में आपने क्या करना है, स्टेप टू में आपने क्या करना है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंथ ही है वैसे, अदरवाइज इट इज ईजी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ ए सी निकालेंगे। मैं आपको एक निकालनी बता देती हूँ, उसके बाद आप कर सकते हो। देखो लाइन ही है ना बेसिकली, ए बी बी सी सी ए क्या है, लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास ए बी, ए के भी कोऑर्डिनेट है, बी के भी कोऑर्डिनेट है, एम इधर होता क्या है, ये सब प्लस वन के कंसेप्ट है।
जो मतलब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, लाइन जो है कहाँ से पास कर रही है, 2547 से. तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो 25 या 47. तो मैंने क्या ले लिया, जो y1 है और x1 और y1, x1 और y1 जिस पॉइंट से पास कर रही है वो मैंने ले लिया 25. ठीक है. और m कैसे निकलेगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी प्लस 1 में किया हुआ है. तो m भी निकल जाएगा क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म है. तो y2 मतलब ये आप ध्यान रखो 25 इज योर x1 y1 एंड 47 इज योर x2 y2. बस सिंपल है. आप तो कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, y माइनस y1, y1 कितना बोला मैंने आपको, दिस इज योर y1, 5 इज योर y1 इज इक्वल टू m. m के लिए क्या करना है, 7 माइनस क्या करते हैं, x में से x वाला, तो पहले y वाला करना है. 7 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2, क्या किया मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर x माइनस x1, x1 कितना है आपके पास, x1 है आपके पास 2, x1 2 ही है ना, y1 5 था. तो हमारे पास ये आ जाएगी y माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 2 2, x माइनस 2. ठीक है जी. तो y ये मेरे पास हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2. वेरिएबल एक तरफ कर लो तो क्या हो जाएगा, ये x, मैं y को उधर लेके जा रही हूँ, x माइनस y और 2 को इधर लेके जा रही हूँ, y को उधर ले गए 2 को इधर ले गए, तो क्या आ गया, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3. इट मीन्स मेरे पास y कितना आ गया, y कितना आ जाएगा, या y इधर ही रहने से सीधा 5. हमने करना क्या होता है इक्वेशन में, या x में निकालना है या y में निकालना है. तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, y निकाल लिया, और y कितना आ जाएगा, x प्लस 3. तो मेरे पास आ गई y की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी. ऐसे ही आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ बी सी निकालना है तो कौन से दो पॉइंट लोगे, ये वाले x1 y1 x2 y2. ए सी निकालना है x1 y1 x2 y2, सब में सेम फॉर्मूला निकालना है, कंसेप्ट समझ लो. आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ बी सी निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ सी ए निकालना है. तीनों की इक्वेशन निकालने के बाद मैंने आपको क्या बताया, किस किस को प्लस करेंगे, ध्यान से देखो. तीनों की इक्वेशन निकल गई हमारे पास, तीनों की इक्वेशन निकालने के बाद मेरे को तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे आएगा, इस पॉइंट्स को ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाले हैं ना, इनको नाम दे दो, ये एल, ये वाला पॉइंट एम और ये वाला एन. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, एरिया क्या लेंगे, एरिया ऑफ ये क्या बन रहा, कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, एल ए बी एम, एल ए बी एम. ठीक है. प्लस अब कौन सा प्लस करना है मुझे, कौन सा रेक्टेंगल है, मतलब कोई भी कर्व है आपके पास. ठीक है. एरिया ऑफ ये वाला बी एम एन सी, बी एम एन सी, देखो ये प्लस माइनस, माइनस कौन सा कर देंगे हम, माइनस कर दिया मैंने ये वाला सारा, तो मतलब ए एल एन सी, ए एल एन सी, ये चीज़ आपको सब ये माइनस किया, तो प्लस ए बी के नीचे वाला प्लस बी सी के नीचे वाला प्लस ए सी का माइनस, तभी तो ट्राइंगल बचेगा. तो ये करने के बाद अब आपने ये एरिया निकालना कैसे है, ये एरिया कैसे निकालना होता है, जैसे मान लो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, मैं एक समझा रही हूँ इसमें भी, सपोज मुझे एल ए बी एम का एरिया निकालना है. ठीक है. तो क्या करेंगे, बहुत ईजी है. कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 से 4 जा रही है लिमिट, 2 टू 4, तो लिमिट 2 से 4. और जो इसकी इक्वेशन निकली थी, इक्वेशन क्या निकली थी, x में ले रही हूँ ना लिमिट, ये ध्यान रखना, लिमिट्स अगर x की ले रहे हो तो फंक्शन भी x का होना चाहिए. तो y क्या निकला था, x प्लस 3, तो मेरे पास फंक्शन है x प्लस 3, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ से आंसर आ जाएगा, लिमिट्स पुट करके इंटीग्रेशन आनी चाहिए. इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स पुट करो, ये निकालो, ऐसे ये वाला एरिया निकालो, इसके लिए लिमिट क्या लोगे, 4 to 6. और जब आप लास्ट वाला एरिया लोगे ये पूरा, तो 2 to 6, मतलब पहले आएगी लिमिट 2 to 4, फिर 4 to 6 एंड देन 2 to 6. फिर ये जब सारा प्लस, पहले दो को प्लस और तीसरे को माइनस करोगे तो आपका ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा. तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी. और सबका भला करो, जिन जिन के भी आपके फ्रेंड्स की कंपार्टमेंट आई है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.
द चैनल. थैंक यू.